नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों मित्रों, जो लोग भी न्यूमरोलॉजी में रुचि रखते हैं, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उन लोगों के लिए लाया हूं। मित्रों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मूलांक और भाग्यांक जिनका तीन है, लाइक इस तरह से ले सकते हैं जिनका जन्म 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक और भाग्यांक 3 होगा। भाग्यांक तो नहीं, उनका मूलांक जरूर 3 होगा। तो ऐसे लोगों के लिए, या जिनकी टोटल डेट ऑफ बर्थ है उसका कैलकुलेशन अगर 3 आता है, तो मूलांक 3 और भाग्यांक 3 वालों के लिए कौन कौन से नंबर उनके एंटी है और कौन कौन से नंबर उनके फ्रेंडली हैं, मित्रों ये आज हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों और अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, आप वीडियो को कंटिन्यू रखें। मित्रों जय श्री राम। मित्रों ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, किताबों में, नॉलेज में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, किसी भी तरह की नॉलेज हो उसमें ये लोग डीप लेवल पे जाके उस नॉलेज को जानना चाहते हैं। और इनके अंदर की जो भूख है, सिंपल से मैं कहूँगा, इनके अंदर की जो भूख है, जो इनकी तड़प है, वो नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये लोग अभिनय के अंदर बड़े माहिर होते हैं, बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। और 3 नंबर वाले लोगों की एक और खास बात होती है मित्रों, 3 नंबर वाले बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, 3 नंबर वाले मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। 3 नंबर के हस्बैंड या वाइफ, किसी का भी नंबर 3 है तो उसके पार्टनर को हमेशा ये बहुत प्यार करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। मित्रों अब मित्रों पर ये आ जाइए कि 3 नंबर जो कि गुरुदेव का नंबर है, हम ये जाने कि 3 नंबर के एंटी नंबर कौन कौन से हैं। मूलांक या भाग्यांक 3 है तो उन लोगों को किन लोगों से अवॉइड करके चलना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों से कभी रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। कैसे रिलेशन? पति पत्नी के रिलेशन, या पार्टनरशिप, या बॉस और कर्मचारी का रिलेशन। अगर ऐसे रिलेशन बनेंगे तो उनकी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगी। मित्रों तो मित्रों आइए शुरू करते हैं, 3 नंबर के शत्रु कौन कौन है और 3 नंबर के मित्र कौन कौन है। मित्रों मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, सबसे पहले कि जो 3 नंबर है ये किनका नंबर है। मित्रों 3 नंबर है गुरुदेव का नंबर, बृहस्पति भगवान का नंबर है 3 नंबर। अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं मेरी उस स्टोरी पे, जो मैंने शुरू से आपको, जब मैं नंबर सारे आपको बता रहा था, 1 नंबर 2 नंबर, तब मैं आपको कहानी बताई थी कि एक राज्य है, उस राज्य में एक राजा है, वो 1 नंबर वाला राजा है, 2 नंबर जो है वो रानी है। अब आ जाइए 3 नंबर, 3 नंबर कौन है मित्रों? 3 नंबर है गुरुदेव, गुरु, उस राज्य का जो गुरु है, जो स्पिरिचुअल लीडर है उस राज्य का, और जिससे राजा ने शिक्षा ली है, ये है वो गुरुदेव, ये है 3 नंबर। तो आप सीधा सा समझ जाइए कि 3 नंबर वाला जो बंदा है, उस बंदे की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वो गुरु है, वो पैदाइशी गुरु है, वो पैदाइशी इंटेलिजेंट है। हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होगी। मित्रों अब मित्रों हम ये करें कि गुरु की किससे दुश्मनी होगी, ऑब्वियसली राजा और रानी से तो गुरु की दुश्मनी होगी नहीं, क्योंकि राजा और रानी दोनों गुरु के शिष्य हैं। राजकुमार से भी होगी नहीं 5 नंबर से भी, क्योंकि राजकुमार भी गुरु का शिष्य रहा है। 4 नंबर से इसलिए नहीं होगी दुश्मनी, क्योंकि 4 नंबर गुंडा है और गुंडों का इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई, ये तो संत महात्मा है, संत महात्मा है, गुरु हैं, इनको गुंडों से क्या लेना देना। तो गुंडा 4 नंबर इनके लिए न्यूट्रल हो गया। अब आ जाइए 6 नंबर, 6 नंबर कौन है? 6 नंबर हैं दानवों के, दैत्यों के गुरु, दैत्यों के गुरु 6 नंबर, जो कि हैं शुक्रदेव। अब मित्रों होता क्या है बेसिकली, देखिए दो है दोनों गुरु, 3 नंबर भी गुरु है और 6 नंबर भी गुरु है, जब ये आमने सामने होते हैं तो दुश्मनी का व्यवहार तो नहीं करते, क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, लेकिन चूंकि इनका नेचर डिफरेंट है, इनको चाहिए सात्विकता और इनको चाहिए 6 नंबर को चाहिए लग्जरी, पैसा, फेम, ग्लैमरस, और 3 नंबर है, 3 नंबर को क्या चाहिए? सात्विकता, भक्ति भाव, अपनापन, सामाजिकता, इनको पैसे का ज़्यादा मोह नहीं है, पैसे का कोई मोह नहीं है, इनको ज्ञान का मोह है और इनको ज्ञान के साथ साथ पैसे का भी मोह है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी नंबर है, इसलिए 3 नंबर वालों को 6 नंबर वालों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। कहाँ का बना के रखनी चाहिए? जहाँ आपको
रिलेशनशिप बनाना हो, परमानेंट रिलेशनशिप बनाना हो, परमानेंट रिलेशनशिप मतलब आपको कहीं टाई अप करना हो, कहीं बिजनेस करना हो, तो 3 और 6 नंबर वाले एक दूसरे से बिजनेस ना करें मित्रों, कोशिश करें उसको अवॉइड करें। 3 और 6 नंबर वाले पति पत्नी के रूप में ना जुड़े एक दूसरे से, अवॉइड करूँगा मैं। बाकी और सारे पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं लेकिन मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ। लव रिलेशन भी 3 और 6 नंबर का रहेगा तो दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, और नेचर डिफरेंट रहेगा तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ये अलग बात है कि हमेशा अपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि जो अपोजिट नंबर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेंगे। ऐसे ही 3 नंबर वाले को 6 नंबर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, 6 नंबर के मकान में नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें जितना हो सके 6 नंबर को अपने से दूर रखें। अब आ जाइए 7 नंबर। 7 नंबर जो है उसका वो न्यूट्रल नहीं है, 7 नंबर बहुत अच्छा है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु है ज्ञान, और 7 नंबर जो है केतु का नंबर है जिसमें ऊपर दिमाग नहीं है, सिर्फ धड़ी धड़ है, और धड़ जो होता है उसको ज्ञान तो चाहिए ही, जो धड़ है उसको ज्ञान तो चाहिए ही। तो जब उसको ज्ञान मिल जाता है 3 नंबर का, तो दोनों मिलके अपने आप में काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ये दोनों नंबर काफ़ी एक दूसरे के फ्रेंडली हैं, क्योंकि मैंने आपको केतु क्या बताया था, जब मैं आपको कहानी बता रहा था तो मैंने केतु आपको क्या बताया था, केतु एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा कह लो एक ऐसा गुंडा है जिसमें दिमाग नहीं है, जिसको जो बोल दिया उसको वो मान लेगा, ऐसा भोलापन इंसान है कह सकते हैं उसको।